मॉर्निंग एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स की पोयम ब्यूटी। तो ब्यूटी मीन्स होता क्या है? ब्यूटी मीन्स होती है सुंदरता। तो सबसे पहले आपको सुंदरता सुनते ही इंसान के जो चेहरे की, जो शरीर की सुंदरता है वो याद आएगा। लेकिन यहाँ ब्यूटी से मतलब सिर्फ चेहरे की सुंदरता से ही नहीं है, बल्कि जो चीजें हमारे आस पास या हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं उन सब में क्या होती है, सुंदरता दिखाई देती है। पर ये जो सुंदरता है वो देखने वाले की आंखों में निहित होता है, यानी कौन किसकी दृष्टि से कौन सी चीज उसे सुंदर लगती है। मान लीजिए कोई चीज है जो मुझे सुंदर लगे या आपको नहीं लगे, या आपको सुंदर लगे मुझे नहीं लगे, तो ये सब किस में होता है? देखने वाले की आंखों में निहित होता है कि उसे कौन सी चीज किस तरीके से सुंदर लगती है। अब जो चेहरे की सुंदरता या फिर कोई वस्तु, इन चीजों की जो सुंदरता होती है वो कुछ समय तक ही रहती है। जैसे इंसान है, उसकी सुंदरता जब तक वो जवान रहता है तब तक तो वो सुंदर दिखता है, लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जाता है या उसकी एज जो है बढ़ती जाती है, तो उसकी सुंदरता भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ऐसी ही कोई वस्तु है, जब तक वो वस्तु नई नई रहती है, या जैसे हम कोई खिलौना ले लो, आपने बाजार से खरीदा, आप नया नया लेंगे तो उसे वो आपको बहुत सुंदर लगेगा, उस दिन तक तो आप उससे अच्छे से खेलेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप उससे खेलते जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, उससे बोर हो जाते हैं। तो उससे आप क्या, मतलब वो उसकी सुंदरता या उसकी जो अच्छाई है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो इसी तरीके से इस पोयम में बताया गया है कि जो इंसान की या चीजों की जो सुंदरता होती है वो कुछ समय के लिए होती है, लेकिन जो हमारे अच्छे काम, अच्छे विचार या जो हमारी अच्छी सोच होती है उनकी जो सुंदरता होती है वो हमें, यानी हमें मरने के बाद भी, यानी काफी टाइम तक उन चीजों को याद किया जाता है। अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो वो लोग उस चीज को याद रखते हैं, तो हम रहे या ना रहे हमारे बारे में वो चीज याद रखी जाती है, तो वो भी क्या है, एक तरह की सुंदरता है। तो चलिए पोयम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ब्यूटी, की सुंदरता क्या है? ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट ब्यूटी इज और लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स और पर्संस यू थिंक आर ब्यूटीफुल। कि ट्राई टू डिस्क्राइब, कि उन चीजों का वर्णन करने की कोशिश कीजिए कि व्हाट ब्यूटी इज, कि ब्यूटी क्या है, और लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स और पर्संस, और कुछ ऐसी चीजों की या ऐसे इंसानों की लिस्ट बनाइए यू थिंक आर ब्यूटीफुल, जो आपको क्या लगते हैं, सुंदर लगते हैं या आपकी नजरों में वो सुंदर है। नाउ लेट अस रीड अ पोयम ऑन ब्यूटी। अब ब्यूटी के बारे में जो ये पोयम है वो हम पढ़ते हैं, और ये पोयम किसके द्वारा लिखी गई है? ई ए शोर के द्वारा ये पोयम लिखी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर दियर हार्वेस्ट। कि ब्यूटी इज सीन, कि सुंदरता को देखा जा सकता है, इन द सनलाइट, सूर्य की रोशनी में, द ट्रीज, द बर्ड्स, पेड़ों में, पक्षियों में। सुंदरता हर जगह होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब पेड़ हरे भरे होते हैं तो वो भी क्या लगते हैं, हमें देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और जो पक्षी होते हैं, तरह तरह के पक्षी होते हैं, कलरफुल होते हैं, तो वो भी हमें क्या लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। कॉर्न ग्रोइंग, कॉर्न मीन्स होती है फसल, ग्रोइंग यानी जब खेतों में फसल उगती है तो खेत कैसे हरे भरे हो जाते हैं, तो वो भी देखने में क्या लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। एंड पीपल वर्किंग, और जो लोग उन खेतों में काम करते हैं वो भी क्या लगते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं। और डांसिंग फॉर दियर हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स होती है जब उनकी फसल पक जाती है, तो वो क्या करते हैं, खुशी से अपनी जो फसल होती है, यानी जब उनकी पैदावार अच्छी होती है किसानों की, जो अपनी पूरी उनका मेहनत का उनको फल मिलता है, तो वो उस खुशी में क्या करने लग जाते हैं, डांस करने लग जाते हैं। और जो ये दृश्य होता है, यानी जो वो जब खुशी से डांस करते हैं, तो ये सब देख के क्या लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, विंड साइंग, रेन फॉलिंग और अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट। कि ब्यूटी इज हर्ड, अभी हमने पढ़ा कि ब्यूटी को देखा जा सकता है, अब हम पढ़ेंगे कि ब्यूटी इज हर्ड। हर्ड मीन्स होता है सुनना, कि ब्यूटी को सुना भी जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हम बस चीजें देखें वही हमें सुंदर लगे, चीजें सुनने में, जैसे हम कोई भजन सुनते हैं या कोई सॉन्ग सुनते हैं, तो वो भी हमें सुनने में क्या लगते हैं, बहुत ही मधुर लगते हैं, सुंदर लगते हैं। तो इसमें कहा गया है कि ब्यूटी इज हर्ड, ब्यूटी को सुना भी जा सकता है। इन द नाइट, कि रात के समय में, जब क्या होती है, रात के समय में बिल्कुल शांति होती है, तो उस टाइम ब्यूटी को क्या किया जा सकता है, सुना जा सकता है। विंड साइंग,
विंडनेस होती है हवा, यानी जो हवा की साए साए की जो आवाज होती है रात के टाइम, या जब बिल्कुल शांति होती है तो हम देखते हैं जब हवा चलती है तो उसकी साए साए की आवाज आती है, तो कहते हैं कि उसमें भी क्या है, एक ब्यूटी है। रेन फॉलिंग यानी जब बारिश गिरती है, बारिश की बूंदें जब जमीन पर गिरती हैं तो वो भी कैसी लगती है, उनकी आवाज भी बहुत सुंदर लगती है। और अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट, और एक सिंगर यानी एक जो कलाकार होता है, सिंगर होता है गाने वाला, वो जब कुछ चीज गाता है, कोई भजन या कोई सॉन्ग गाता है, अपनी पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से अगर वो कुछ गाता है या गुनगुनाता है तो वो भी हमें क्या लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट। ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, योर सेल्फ मीन्स ब्यूटी तुम्हारे खुद के अंदर है। गुड डीड्स अच्छे कामों में, डीड्स मीन्स होता है वर्क या काम, कि आपके अच्छे कामों में, हैप्पी थॉट्स आपके अच्छे विचारों में, दैट रिपीट देमसेल्व्स जो क्या करती हैं, अपने आप को बार बार दोहराते हैं, इन योर ड्रीम्स आपके सपनों में, इन योर वर्क आपके कामों में, एंड इवन इन योर रेस्ट, और यहाँ तक कि जब आप आराम कर रहे होते हैं तो जब तब भी आपके जो अच्छे काम होते हैं या आपके अच्छे विचार होते हैं वो चीज क्या करती है, अपने आप को दोहराती है, यानी बार बार वो चीजें आपको याद आती है। तो इन चीजों में भी क्या है, सुंदरता है। और ये जो विचार या फिर अच्छे विचार या अच्छे काम या अच्छी जो सोच होती है, इनको लाइफ टाइम याद रखा जाता है, तो इस चीज में भी क्या है, सुंदरता है। आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।